अगर आप नौकरी पाने की चाहत में किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट यूं ही भेज देते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने से आप ठगों के चंगुल में फंस सकते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा और आपके नाम पर करोड़ों की फर्जी कंपनी खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहने वाले इस बेरोजगार युवक के साथ। अश्विनी कुमार नाम के शख्स के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब उसके घर का दरवाजा जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने खटखटाया और बोले, आपके नाम से एक कंपनी चल रही है जिसका तकरीबन 250 करोड़ की जीएसटी का बिल आया है। ये सुनते ही युवक खुद हैरान रह गया, क्योंकि वो खुद नौकरी के लिए भटक रहा है। ये मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र के बड़सू गांव का है, जहां अश्विनी कुमार को कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर नौकरी के लिए एक कॉल आई। नौकरी के लालच में अश्विनी ने उनको डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेज दिए। उसका कहना है कि 1,750 रुपए भी उसने उन्हें भेजे थे, लेकिन युवक को नौकरी तो मिली नहीं, उल्टा उसके नाम से फर्जी कंपनी और बैंक अकाउंट खुलकर तकरीबन 250 करोड़ रुपए जीएसटी का ई वे बिलिंग फ्रॉड हो गया। मेरे पे व्हाट्सएप पे कॉल आई थी जी, नौकरी के लिए मेरे से कागज लिए गए, मेरे घर का बिजली बिल भी, पापा का आधार कार्ड और मेरे से 1,750 रुपये भी लिए गए हैं। अब मेरे नाम पर मुझे कोई कंपनी चलाई है, मुझे नहीं पता है। फिर जीएसटी विभाग की टीम आई है, उन्होंने बताया कि आपके नाम पर कोई फर्म चल रही है। फिर जीएसटी विभाग पे उन्होंने हमें बुलाया है, फिर उन्होंने बताया कार्रवाई करने के लिए कहा है, थाने में तहरीर दी गई है। इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा लिया है, साथ ही जीएसटी विभाग के साथ मिलकर जांच की जा रही है। देखिए, किसी व्यक्ति के अकाउंट में ये रकम नहीं आई है। एक रतनपुरी के रहने वाले अश्विनी कुमार के जो डॉक्यूमेंट्स को झांसे से उसको नौकरी लगवाने का झांसा देकर के उसके डॉक्यूमेंट जो है ले लिए गए और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक फर्जी कंपनी और फर्जी बैंक अकाउंट जो है खोल दिया गया, जिससे जो है जीएसटी का ई वे बिलिंग का फ्रॉड किया गया है। उससे फर्जी जो ई वे बिल करीब 250 करोड़ रुपए के उसमें तैयार किए गए हैं। इसमें जीएसटी विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जा चुका है, उनके साथ मिल करके इसमें अग्रिम जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तो ठगों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर की ये खबर देखने के बाद हमारी आपसे यही सलाह है कि किसी पर भी आग बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें। दस्तावेज कीमती होते हैं, किसी के साथ अनजाने में भी इसे शेयर न करें, वरना आप भी ऐसे ही जालसाजी का शिकार हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।